नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। नगर कोतवाली के एक आरक्षी को पुलिस अधीक्षक ने धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया। नगर कोतवाली के प्रभुशंकर गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरक्षी उससे रुपए मांगता है। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने इसकी जांच पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक सुधीर जायसवाल को दी। एसपी ट्रैफिक की जाँच में आरक्षी दोषी पाया गया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि एसपी ने नगर कोतवाली में तैनात आरक्षी अजय जायसवाल को निलंबित कर दिया है। थाना कोतवाली आजमगढ़ में कांस्टेबल अजय जायसवाल के विरुद्ध एक शिकायतकर्ता रघु शंकर गुप्ता द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने का। इस प्रकरण में जांच एसपी ट्रैफिक द्वारा की गई थी जिसमें उनको दोषी पाया गया और दोषी पाए जाने के उपरांत इनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है। इनको निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।